जहां पर आप देख सकते हैं कि जो किसानों का जत्था पंजाब से आया है, उन्होंने पूरी बैरिकेडिंग्स को हटा दिया है। हालांकि अभी कोई पुलिस की तरफ से कोई ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं थे जो यहां पे किसानों के लिए किसी को मना किया गया है, लेकिन एक बैरिकेडिंग जरूर लगी हुई थी जो यहां पर जो किलेबंदी की गई थी उसको तोड़ते हुए यहाँ पर अलग हटाते हुए यहाँ पर लोग अग्रेसिव होते हुए किसानों ने बिल्कुल एकदम यहाँ पर प्रवेश किया है। और आप तस्वीर में देख रहे हैं कि किस तरीके से ये नारेबाजी यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी तादाद में ये किसान हैं जो बताए जा रहे हैं। साथ ही लेकिन जो लोग हैं अभी अंदर की तरफ को ये बैरिकेडिंग दूसरी बैरिकेडिंग की तरफ से यहाँ पे ये लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं और जो बैरिकेडिंग्स हैं वो इनके द्वारा हटा दी गई है। लेकिन आप यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन का जो पॉइंट है यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन साथ ही काफ़ी तादाद में यहाँ पर ये लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हैं और जो प्रदर्शन ग्राउंड है वहाँ पर किसान जो है लगातार ये यहाँ पर आए हैं और आने के बाद में यहाँ पर बैरिकेडिंग को तोड़ करके इन लोगों ने अंदर प्रवेश किया है। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ मैं मोहम्मद यूसुफ, News 24 दिल्ली। खिलाड़ियों के समर्थन में लोगों का आना शुरू हो गया है। आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं ये किसानों का जत्था जो है यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये सभी लोग पंजाब से आए हैं और इनकी जो किसान हैं उनके समर्थन में यहाँ आए हुए हैं। इनसे सर आप लोग कहाँ से आए हैं? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीति की ओर से हम ये पूरे भारत से यहाँ आए हैं। हमारा पंजाब है, हम पंजाब से। जगजीत सिंह ढल्लेवाल, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हमारी एक ही मांग है कि उन लड़कियों को इंसाफ मिले और वो गुंडागर्दी करने वाले एमपी को जेल की सलाखों के पीछे दिया जाए। जिस तरीके से अभी जो सरकार है, आपको लगा कि FIR हो चुकी है और संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है, लेकिन अभी गिरफ्तारी है तो हुई नहीं, अभी पूछताछ के लिए बुलाया नहीं है। सवाल यही है, जैसी संगीन धाराएं लगी हुई हैं तो सीधा सीधा गिरफ्तार होना चाहिए वो आदमी। अगर वो आदमी गिरफ्तार नहीं होता तो स्पष्ट है कि वो हमारी जो इंक्वायरी है उसको प्रभावित करेगा और उसके ऊपर पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन भाजपा के लोग बोल रहे हैं कि ये जो राजनीति हो रही है इस पे, क्योंकि जो किसान उसके मुद्दा है उसके लिए जो जांच एजेंसी है वो काम कर रही है। सवाल ये है, किसी बेटी की आबरू को लूट लेना और बाद में उसको भी ये कहना कि ये राजनीति हो रही है। अगर लोग अपनी बेटियों की इज्जत के लिए धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट करेंगे और उसको ये लोग ये कहेंगे कि ये लोग मतलब राजनीति कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा इससे बेशर्मी वाली बात और कोई सरकार के लिए हो नहीं सकती। सर आप आज ही वापस लौट जाएंगे या आप लगातार यहाँ पर धरने पे बैठेंगे? नहीं, हमारा ये आज एक दिन के लिए हम इनको समर्थन देने के लिए आए हैं और पूर्ण तौर पर हमारा इनको समर्थन है। अगर इनको जरूरत लगेगी कि लगातार बैठने की तो भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी कितने लोगों का जत्था आप लोगों के साथ में? देखिए, नियर अबाउट लगभग 3000 के करीब किसान हमारे साथ आए हैं और आगे जरूरत बड़ी और भारी संख्या में लेकर आए हैं। बिल्कुल, ये बताया जा रहा है कि जो अभी जो जत्था है यहाँ पे 3000 लोग यहाँ पहुँचने की बात ये कह रहे हैं, लेकिन इनकी यही मांग है कि किसी तरीके से जो आरोप लगे हैं सांसद के ऊपर, बृजभूषण के ऊपर, उसमें पुलिस एक्शन ले और उसकी गिरफ्तारी हो। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ में मोहम्मद यूसुफ, News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।